सत श्री अकाल जी सारे वीरां नूं। फिर आपां शुरू करती सी जी कटर दी ते कंबाइन भी बाहर कढ़ ली। अज तां नहीं कम निबड़ना कंबाइन दा, सवेरे करांगे वाश आपां। ते बाकी कटर दी पहलां रिपेयर शुरू कीती है क्योंकि चादर चूदर आपां लवाई सी, वाल वूल नवें लवाए सी, सारा समान जाने के कढ़िया सी। ते हुण फिंगरां दी सैटिंग करदे पए आं, दुबारा करदे पए जी। एक बार वो दंद च थोड़ा फाल्ट पै गया सी, फिंगरां सैटिंग करन तों बाद फिर दोबारा खोलियां, दंद सैट किया। तो सवेरे आपां करांगे जी कंबाइन की सर्विस, कंबाइन की सवेरे आपां धोवां धोवांगे। बाकी आ जी स्टैप देख लो अपनी, हाथ ना पैंदी करती जी, पूरी टाइम तो लग गया जी पर हाथ है स्टैप, हाथ नाल पूरे ब्लेड हाथ नाल पैंदी करती जी, वधिया तरीके नाल पूरियां फिंगरां की सैटिंग करती। बाकी सवेरे करांगे आपां कंबाइन की धोवा धोवांगे सवेरे आपां, बाकी फिंगरां की सैटिंग तो सारी होगी जी अपनी तकरीबन ही। कटर अज अपना हो जाएगा जी कंप्लीट। है वाल आप लगे हाँ कसण, देख लगे पहले अलाइनमेंट हो गई सी आउटेन की, तो जिस करके सूँ दंद पट्टना पाया, दंद थले पत्ती लगी सी, वह पत्ती कटनी पई क्योंकि दंद उच्चा हो गया सी, मिस्त्री ने जो लाया दंद तो हो गया सी उच्चा। हुण आपां करने हैवल दी फिटिंग, कटर लाउने आ ते बाकी तुहानू दसने जी जिहड़ी आपां ब्लेड दी स्टॉक दी सैटिंग किवें करनी है वह भी तुहाडे नाल आपां शेयर करांगे इस वीडियो दे विच, अज दी वीडियो च। बाकी सवेरे आपां कंबाइन दी वीडियो आपां सवेरे कंबाइन दी आपां करांगे वाश, सवेरे करांगे विचों थ्रैशर कढ के, ते हुण एवल फिट करदे आ जी। बाकी जिवें जिवें आपां कम करदे आ सारी आपां तुहाडे नाल वीडियो शेयर करांगे जिन्नी आपां नूं नॉलेज है। पर जिहड़े वीरां ने वीर चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सो चैनल नूं जरूर सबसक्राइब कर लो जी। देखो जी हैवल दी अलाइनमेंट सीधी, हैवल दी आपां करती फिटिंग। बाकी तुहानूं स्टॉक भी तुहानूं दस्सांगे भी किवें आपां सैट एडजस्टमेंट करी दी ब्लेड स्टॉक, उहदी भी आपां सैटिंग दस्सांगे किस तरह आपां करदे आं। बाकी भी जिन्हां वीरां ने चैनल न्यू सब्सक्राइब किया, हाँ जी कटर दी आपां रिपेयर हो गई जी, तो मशीन आपां बाहर कढ़ दी, सवेरे धोवांगे। हुण टाइम हो गया ज़्यादा, हीटर फूटर लाता किश्तियां कुछ आपां सारी सीपां विचों कढ़तियां ने, एलीवेटर लाता सी, आह सीपां पाईआं सी आपां कणकां नूं, दोवें सीपां ही पाउणे आ। एतकी पावांगे झरना हुण 19 नंबर दा, उह वी विखावांगे। फिटर आपां लाता, सवेरे पट्टांगे पल्ले जां सक्रोड पावांगे, सक्रोड भी खराब होए पए ने अपने। तो बाकी सवेरे आपां वाश करांगे कंबाइन अपनी, पल्ले ला के ते थ्रैशर बाहर कढ़ांगे। तो बाकी कटर दे आपां रिपेयर हो गई जी, चादर चूदर लवाई सी इहदी तां करके आपां पहले रिपेयर कर लईए ने, इहदे ते एक दिन वध लग गया जी, लग गया अज भी जिहड़े मिस्त्री ने इहदे विच आए साइड ते कि नहीं पत्ती लाती सी 14 गेज दी जिहड़ी चादर लगी है, आ तो 12 गेज लगी उपर 14 गेज की लवाई आप लवाती सी पत्ती, दंद के दंद हो गया अगों उच्चा, तो उच्चा होने करके जी आह एडजस्टमेंट सी ना आह एडजस्टमेंट ये गलत हो गई सी, आह ज़्यादा अगों चक्की गई सी, चक्कन करके आह सैट नहीं सी आ रहा पत्ती आ, इस करके फिर वो पट्टिया दंद दोबारा, एक दिन साडा वध लग गया तो पिछों पत्ती कढ के इन्हें बिचों, तो फिर दंद सैट किया, तो फिर दोबारा फिंगर की सैटिंग की। फिंगर सैट की तुम दस्या सी पहला भी इस पास फस्ट फिंगर तो पहली फिंगर तो एक फिंगर ये ला लो,
एक फिंगर लास्ट वाली आ फिंगर दोवें फिंगर कस के ते सूत लै लो सूत का धागा दोवें साइडों तो बन लो तो सीधा जल सेंटर च रख लो इन्होंने सेंटर चो या थले लगती धागा एक एक फिंगर बनी चलो सैट करी चलो बाकी जिमें भी आँदी एडजस्टमेंट जो थले वाशल की लोड़ पैंती वढ़ के वह पा सकते आप इतों इस साइड से जाशल वढ़ के जा कोई लेमा लूमा पा पा सकते थले इस तरह एडजस्टमेंट कर लो। बाकी कटर की अपनी हो गई रिपेयर स्टेप की तुम दिखाती जी आप हाथ ना पी स्टेप की रील आप चढ़ाती सी सारा कटर हो गया ओके अपना कंबाइन की आप करा सवेरे वाश करा सवेरे शुरू करते हैं रिपेयर कंबाइन की भी बाकी समय समय से वीडियो जिमें जिमें आप काम करते हैं गेयर का क्लच प्लेट का सारे आप जानकारी देवे जिनी आप नॉलेज है बाकी बंदा तो सीखता ही रहा जी फोरमैन का कोई नहीं बन सकता बंदा सीखता ही रहा चलो जिनी आप नॉलेज है सवेरे वाश करा कंबाइन अपनी एक तुम होर दिखा जी चीज़ मैं आप चादर लवाती सारी चेर आप लगाई जी 14 गेज की 16 इंच का फ्रंट ऑगर है बाकी तुम हम दसना जी आप पिछे वीडियो पाई सी स्टॉक की सैटिंग भी तुम दसने भी स्टॉक की सैटिंग आप किवें करनी होंगी स्टॉक की सैटिंग जी जो अपना है वड़ियाड इनू तोड़ तक गांह लै जाओ जां पछाण रख लो जिहड़ी साइड ते करना जां सीधा लै जाओ जिस तक यह गांह जाता उत्थों तक ले जा के तो जिहड़ा अपना आ ब्लेड है ना इन फिंगर के सेंटर तो चाहिए जे तो अपने फिंगर के पूरा सेंटर जिवें थोड़ा जिहा काटे हो तो चलो अगे पिछे होना ये सेंटर के चाहिए जी ये फिर पूरा एरिया कवर करूगी तो फिर अपने जिवें राला छड़ दिया ना मशीन आप कई बार हाई ला ली जां वैसे भी जो स्टॉक सैट नहीं तो पूरी कटाई साफ नहीं होनी जी जो छेगी थले छन लग पाला जी तो वह नहीं फिर करूगी इस करके भी ये जी ब्लेड पूरा सेंटर से होना चाहिए जी वो अपने हैवल में पूरा पिछाँ कर लो या पूरा गांह कर दो पूरा जो गांह कर लिया दिखा जो अपना हैवल है पूरा जिस तक हैवल पूरा गांह कर लो गांह करने तो बाद जो अपना ब्लेड सेंटर के चाहिए फिंगर के हूँ आप स्टॉक सैट कर लिए वीडियो नहीं सी बनाई बाकी तुम हूँ दस देना ब्याह कर दो सैट तो पूरी इन स्टॉक हो जाएगी सैटिंग तो स्टॉक की सैटिंग पूरी होगी पूरी कटाई वधिया करूगी बाकी एक आप कटर की फुल वीडियो करा जी वैसे अज बनी गई जो जो काम किया दस ही दिता बाकी जिमें जिमें अगे कटर की रिपेयर होगी अपनी बाकी जेकर अपने कई बार रहते ना इतने धक्क बजती होंगी इस पल धक्क बजती होंगी इंदा जी इस साइड से आप अद्धे सूट का स्पैसर पा के देखो पहला इस वील के नाल स्पैसर पा के देखो जी हटती नहीं एक सूट का जेकर नहीं हटती तो फिर अपनी जी आती ना छावट जिन्हें आप मुक्की कहने आ जी मुक्की इन्हें जी अगली सीटा जितने दो बैरिंग चलते हैं 3208 के अपने अंदर उनके सीट डाउन होगी तो अपनी जी कंबाइन जब चलाने डगडग भी करती डगडग की आवाज़ आती होंगी है जेकर सीट डाउन ही हो बैरिंगा की फिर भी धक्क बजती बाकी जी विशाल का कटर 6 पाइपा वाला बाकी जी धन्यवाद जी वीडियो देखने हूँ आप कल तो लगा कंबाइन वो भी वीडियो अपलोड करा जी जिन्हें वीर ने मेरे चैनल में सबसक्राइब नहीं किया मेरे सारे चैनल जरूर सबसक्राइब कर लो जी धन्यवाद जी।